अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी मैं छत पर आई हूँ, कपड़े धोना थे इसलिए। और आज मैंने, वैसे मैंने सोचा था ब्लॉग जो है मैं सुबह से ही बना लूँगी, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि आज घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था। घर में अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारी जो पार्टनर है वो चली गई है, तो इसलिए आज घर हमारा सुना सुना हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, बुलबुल जो है अपने मायके चली गई है क्योंकि उसके भाई के साथ ही, आपको पता ही है। तो अब बहनें तो जो है पहले से ही जाती हैं, और फिर उसके घर पे काम वगैरह भी है, शॉपिंग वगैरह भी करना है, बहुत कुछ काम रहते हैं। साथी वाले घर में तो जितने करो उतने कम रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा पहले ही चली गई है। उसके भाई कल आए थे तो लेने के लिए, तो आज सुबह वो चली गई। तो घर जो है हमारा बिल्कुल सूना सूना हो गया। वैसे भी तो हम लोग कम मेम्बर हैं और उसमें से भी एक दो लोग कम हो जाते हैं तो और खाली हो जाता है। तो बस इसीलिए आज ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। बस अभी मैं ऊपर आई तो मैंने कि चलो अब शाम से ही शुरू कर लेते हैं। तो बस यहाँ इनाया भी आ गई हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा काम भी करना है। कपड़े तो धुलेंगी, उसके साथ भी और भी काम है जो मुझे करना है। तो अभी बस इनका मैं वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो इनकी मदद से ही मैं सारे काम निपटाऊँगी जो भी मुझे करना है वो। जैसे ये टंकी है ऊपर ले जानी है, क्योंकि ये टंकी और ये टंकी अब छत पे रख दूंगी भर के, आधी आधी भर के, ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं, आधी आधी, क्योंकि बहुत भारी है, ये वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इनको आधी भर भर के ऊपर वाली छत पे रख देंगे और यहाँ छत हमारी खाली हो जाएगी। और अभी कुछ सामान है जो सेट करना है तो वो सेट करेंगे। तो बस यही काम करना है, और जो कचड़ा वगैरह रखा है वो नीचे ले जाके रखना है, क्योंकि कचड़े वाली जो आंटी हैं कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, तो इसलिए देखते हैं अगर कल नहीं आती हैं, क्योंकि वो अगर आती भी हैं तो फटाक से भग जाती हैं। मतलब अगर जल्दी से लेकर आ जाओ तो ठीक है, वरना ज़्यादा वेट नहीं करती हैं, तो इसलिए नीचे ही ले जाकर रखेंगे। यहाँ पर कुछ कचड़ा रखा हुआ है जो हम लोगों ने छत साफ़ की थी ना, तो उसका निकला है, वो तो सफाई करते हैं तो निकलता ही है। और आज मेरे कान वगैरह खाली पड़े तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कल वीडियो शूट की थी ना, तो जब मैंने इयर रिंग उतार दिए थे अपने, जब मैं गोल्ड के डेली यूज में पहने रहती हूँ, और फिर मैंने पहने नहीं है, तो बस अभी मैं पहन लूँगी। जब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो फिर कुछ पहनना करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मशीन मैंने भरने के लिए लगा दी, अब वो भर जाए तो कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े धुलते रहेंगे, मैं अपना काम भी करती रहूँगी। और एक दो लकड़ी के इससे रह गए, जैसे कि ये निकला हुआ रखा था और आंटी भूली गई इसको रखना, तो जब मैं शाम के टाइम पर आई तब मैंने देखा कि ये नहीं है, तो फिर कल आंटी धोने आई थी तब मैंने उनसे बोला मैंने कि ये क्यों नहीं ले गई, तो आंटी बोली मैंने देख ही नहीं पाया, मैं भूल गई कि अब मैं दो तीन दिन बाद ले जाऊँगी इसको। तो बस अभी ये भी रखा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी छत मतलब खाली नहीं हुई, मतलब सफाई हो गई है, सामान बस रखा है, उसको सेट करना है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बस यही करना है। और इनाया देखिए क्या कर रही है, इनाया ने अपनी गाड़ी निकाल ली है आलिया की, ये जब आलिया छोटी सी थी 7-8 महीने की थी, जब भी उसके पापा ये गाड़ी लेकर आ गए थे, मतलब जो साइकिल बच्चे 2 साल के होने पर चलाते हैं, मतलब आलिया इनाया के बराबर की होती तब लेकर आती, लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि उसकी जो भी टॉयस है वक्त से पहले ही आए हैं, वो चलाने लायक नहीं हुई और बस लेकर आ जाते थे ये। तो तभी की ये साइकिल है, और यहाँ देखिए उसका चूजा भी उसने अपने पीछे बिठा लिया है, ये देखो क्या कर रही हो, ओ भग गया वो, तो भग गया, भाग जाता है वो, ये वो नहीं बैठना चाहता, ये कौन सा डांस है, ये कैसा डांस है। और एक कमेंट आया था, ये कमेंट अक्सर आते रहते हैं कि आपकी नाया बहुत ज्यादा कमजोर है, दुबली पतली है, तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने में दुबले पतले होते हैं, कमजोर लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह से अंदर से वो हष्टपुष्ट तंदुरुस्त होते हैं। कुछ बच्चे देखने में मोटापे के होते हैं, मतलब हेल्थी होते हैं, और अंदर से सुस्त से रहते हैं, और कुछ बच्चे बाहर से ऐसे दिखते हैं कि ये पतले दुगले हैं, ये ऐसी हैं लुज्जे पुंजे हम लोगों की भाषा, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसने कि हमारी इनाया है बाहर से वो दिखती है कि वो कमज़ोर है, कोई इसको देख कर सोचेगा कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन नहीं, माशाल्लाह से
हमारी इन्नू जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बोलूँ तो आलिया से ज़्यादा एक्टिव ये है, उससे ज़्यादा उदम ये करती है, मस्ती करती है बहुत ज़्यादा। मतलब जो बच्चे करते हैं जैसे एक्टिव होते हैं ना, तो जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं, वो माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं। तो इनाया हेल्दी है, बस वो दिखने में कमज़ोर लगती है, ऐसी ही है वो। और रही बात उसके खाने पीने की, तो वो अपनी मर्जी का खाती है जो उसको खाना होता है। और फिर देखिए बोलते हैं बच्चों का ज़्यादा खाना पीना नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लग जाती है ये बोलते हैं, तो बस इसीलिए मैं इनाया को ज़्यादातर खाते हुए नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि मैं पहले दिखाती थी तो मम्मी ने मुझे एक बार डांट दिया था कि नहीं बच्चों को खाना खाते हुए नहीं दिखाओ, तुम अपने दुनिया का काम दिखाओ लेकिन मेरे बच्चों को मत दिखाना खाते हुए। तो बस जब से इसलिए मैंने बंद कर दिया था, मैं इसीलिए बहुत कमी से इनको खाते हुए कुछ दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी यानी कि मैं सास की बात कर रही हूँ, और जो हमारे बड़े होते हैं तो वो कुछ सही के लिए ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बस यही बोलूँगी कि इनाया इतनी कमज़ोर नहीं है जैसे कि उन्होंने कमेंट किया था कि आप डॉक्टर को दिखाइए, और इस टाइम पर कोई भी डॉक्टर पे जाने के लिए सेफ नहीं है। तो ऐसे ही बिना फालतू में मैं डॉक्टर वगैरह के जाने से बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रही कोई डॉक्टर वगैरह के, क्योंकि वो बोल रही थी। वैसे तो उन्होंने अच्छे के लिए ही बोला था, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, कि आप इनाया को कोई डॉक्टर को दिखाओ जिससे वो अच्छी सी हेल्दी हो जाए। तो देखिए अभी ऐसा टाइम चल रहा है, इस टाइम पर डॉक्टर वगैरह के जाना नहीं चाहिए अभी। ठीक है वो कोई बीमार थोड़ी ना है, वो देखो आराम से खेल रही है, अपनी गाड़ी लेकर आई है, साइकिल चला रही है, सब कुछ कर रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है। कमज़ोर बच्चा कब माना जाता है? जब वो बच्चा दिखने में भी कमज़ोर है और बस वो शांत सा रहता है, बैठा रहता है, सोचता रहता है, वो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर लगता है। और वो अंदर से भी कमज़ोर होता है और ऊपर से भी कमज़ोर होता है। लेकिन हमारे इनाया माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश रहती है, खेलती है, खूब मस्ती करती है, तो वो कमज़ोर नहीं है। तो बस यही था। और चलिए मशीन मेरी भर गई है तो कपड़े डाल देती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी है मॉर्निंग का टाइम, 9:30 बज रहे हैं, और बस यहाँ पे आंटी जो है आ गई थी तो वो सफाई कर रही है अभी, और आलिया अपनी मैम को जो है अपना टेस्ट दे रही हैं, सॉरी एग्ज़ाम दे रही हैं। आज उसका ओरल है मैथ का, तो बस वही वो सुना रही है जो उसकी मैम बोल रही हैं, और मैं बस उसको देख रही हूँ कि ये सही सुना रही कि नहीं। तो बस आलिया का एग्ज़ाम हो गया है, उन्होंने 3 क्वेश्चन किए थे और आलिया ने पूरा कर दिया है। तो बस मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ लौकी के लिए, तो लौकी की भजिया बना रही हूँ, और सिर्फ मैं हरी मिर्ची यूज करके ही बना रही हूँ, लाल मिर्ची यूज नहीं करूँगी। तो सिर्फ ऑयल में जीरा डाला है, प्याज डाली है और हरी मिर्च डाली है, और उनको फ्राई करने के बाद मैंने लौकी डाल दी है। तो बस इनको मिक्स कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक जाएगा, और बस मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालूँ, क्योंकि लौकी जो है फ्रीज की है तो गलने में टाइम लगेगा, और पानी नहीं डालती वैसे मैं, लेकिन टमाटर होते ना तो नहीं डालने पड़ते, लेकिन आज टमाटर नहीं थे तो फिर इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाल दूँगी और पानी डालकर इसको गला ले रही हूँ, वरना मैं इस टाइम पर टमाटर डाल देती तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये मैंने पानी डाल दिया है और इसको स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए अंडे बॉईल किए हैं, तो बस वो रख दिए मैंने एक साइड, और चिकन मैंने धो लिया है, और आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन। और इसको पहले मुझे जो है मैरिनेट करने का टाइम तो नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही बना लूँगी जल्दी से। तो यहाँ मैं चिकन के जो है लेग पीस है सिर्फ, क्योंकि परसों ये लेग पीस लेकर आए थे फ्राई करने के लिए, लेकिन परसों फिर नहीं बना पाए, शाम को ही जो है बुलबुल के भाई आ गए थे, तो फिर शाम को फिर फ्राई करते लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो फिर उनके लिए सब्जी बन गई थी, और कल बुलबुल चली गई तो फिर अब ये 4 पीस रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसकी मैं कोई रेसिपी बना लेती हूँ, तो फ्राई करने का मन नहीं था तो इसलिए मैं इसकी सब्जी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट करने के बाद इसमें नमक डाला है, और ये भुजिया जो है बन गई है, तो इसमें मैंने गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया था, तो बस इसको मैंने छोटे बर्तन में करके रख दिया है क्योंकि थोड़ी सी ही बनाई है, और वहाँ कुकर में थोड़ी सी मैंने दाल रख दी है,
तो बस यहाँ पे ये जो कढ़ाई है मैं आंटी को दे देती हूँ, क्योंकि वो बर्तन माँज रही हैं तो साथ ही मच जाएगी, ये साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ मैं अब जो इसको चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ ना, तो उसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी। तो बस इसमें नींबू और डाल दूंगी, और अदरक लहसुन मैंने छील लिया है, प्याज छील कर रख ली है। तो ये मैंने नींबू ले लिए हैं, एक नींबू डाला है बड़ा, और बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और इसको रख दूंगी जब तक कि मैं मसाला पीस लेती हूँ। तो बस इतनी ही देर के लिए रखूंगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, मतलब सफाई वगैरह की सोच रही हूँ थी मैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हो पाया सफाई का काम। तो यहाँ पर मैंने ली है प्याज 3 से 4, और हरी मिर्च डाली है, और लहसुन और अदरक, और इसमें थोड़े से मैंने काजू डाले हैं। तो बस इसका मैं पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, और इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, ये देखिए ना लाल मिर्च जाएगी, ना धनिया पाउडर जाएगा, ना ही हल्दी पाउडर जाएगा, मतलब कोई सी मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ इस तरीके से ही बना रही हूँ, सिंपल तरीके से। और इसमें मिर्च तीखापन भी कम रहता है, अगर ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्ची और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है दूध, मलाई और दही, ये तीनों मिक्स करके इनको भी मैं पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी डाल दिया, और ये देखिए वाइड वाइड हो गया है पूरा। और ये जो मसाला है ना, आलिया को इतना पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं थी ना, तो बच्चों के लिए ये चिकन रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चे अक्सर मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो मिर्ची पसंद नहीं करते हैं, तो जिनको मिर्ची तीखा पसंद नहीं है, ज़्यादा मसाले पसंद नहीं, तो वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। क्योंकि जब भी हम मसालों का मटन या चिकन खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी सा लगता है, तो ये जो है बिल्कुल हैवी नहीं लगा, और बहुत ज़्यादा टेस्ट भी था, और बिल्कुल भी भारी, मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ हैवी खाना खाया है। तो बस यहाँ इसको सिर्फ करना है फ्राई, अगर हम चाहें, अगर हमारे पास टाइम है, तो इस तरीके से इसको मिक्स करके हम फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको बना रही हूँ। और इस पर मसाला लगाकर इसको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा लग गया है ना, बस वही मसाला हमको लगा रहने देना है और फ्राई कर लेना है। और इसको मैं बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ बन रही थी इनाया के लिए चाय, तो इनाया उठ गई थी, तो मैंने उससे बोला अंडे खा लो, तो उन्होंने बोला नहीं चाय चाहिए चाय। तो बस उसके लिए मैंने दूध में हल्की सी पत्ती डाल, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना, तो वो समझती चाय है। तो बस मैंने चाय बना के उसको पिला दी है। चिकन उधर 2 पीस फ्राई हो रहे हैं, 2 अभी फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो मसाले को मैं भून लेती हूँ। तो जो मसाला हमने चिकन के लिए डाला था ना, जो दही का और सारे अदरक लहसुन प्याज का जो मसाला बचा था ना, तो बस इसको हमें भून लेना है, इसी की हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ऑयल डाला था मैंने थोड़ा सा, और उसमें मैंने काली मिर्च और लौंग और बड़ी इलायची, ज़्यादा मसाले नहीं डाला, क्योंकि हमने गरम मसाला अच्छा खासा डाल दिया इसमें, और काली मिर्ची भी इसमें चली गई है, क्योंकि हमें इसे लाइट मसाला रखना है, ज़्यादा तीखा वीखा नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ही मसाले डाले हैं। और बस इसको भून लिया था अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा था ज़्यादा, तो बस उसको भूनने के बाद मैंने चिकन डाल दिया था, चिकन डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और उसको 5 मिनट तक अच्छे से पका दिया, चिकन अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो बहुत ही अच्छा ये टेस्टी अफगानी चिकन बनके तैयार हुआ है, और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, इसको पसंद आए तो बार बार बना सकते हैं, और मैं तो अभी इसको और बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बच्चों को पसंद आया। तो बस हमारा खाना लग चुका है, तो अभी हम लोग दोनों जने खाना खाएंगे, और इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।